गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे गेम जिनका साइज एकेएमबी से भी कम है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पांचों गेम के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं एग्जैक्ट उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला गेम है वो एक स्नेक गेम है। तो हम इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है स्नेक फ्यूजी, SNAKEFUJI। तो दोस्तों, जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे सबसे ऊपर एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग 3.8 की है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है दोस्तों। और यहाँ पे इसका साइज़ देख सकते हैं 0.92 MB है, यानी कि 1 MB से भी कम का इसका साइज़ है। तो आपको यही गेम इंस्टॉल करनी है। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इस गेम को आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे टैप टू स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप 1 MB के अंदर कोई स्नेक वाला गेम सर्च कर रहे हैं तो ये गेम बेस्ट है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे मान लीजिए गेम ओवर आपका हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज लिखा देख सकते हैं, आपको क्लोज पे क्लिक करना है और उसके बाद रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है तो गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर टैप टू स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पहली गेम हमारी लिस्ट में। तो अब बढ़ते हैं दूसरी गेम की तरफ। तो दूसरी गेम डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है सिंपल ब्रिक। तो दोस्तों, जैसे ही आप सिंपल ब्रिक टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे ये गेम है, आपको यही गेम इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इसका साइज़ देख सकते हैं 0.99 MB का है, तो यानी 1 MB से कम है और इसकी रेटिंग दोस्तों 3.8 है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो आपको यही गेम इंस्टॉल करनी है। तो दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इस गेम को आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, आपको बता दूं, अगर जितने भी गेम मैं आपको बता रहा हूं अगर इनमें से किसी पे भी ऐड आए तो आप यहां से ऊपर जाइए, ऊपर से अपना डेटा कनेक्शन बंद कर दीजिए, उसके बाद गेम को प्ले करिए। उससे क्या होगा, तब आपके स्क्रीन पे ऐड नहीं आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट लेवल पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे टैप कर देना है। जैसे आप स्क्रीन पे टैप करेंगे आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये गेम हो सकता है आपने पहले भी खेला हो। तो यही गेम है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, आप चाहे तो इसे 1 MB के अंदर इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं अपने तीसरे गेम की तरफ। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो तीसरा गेम है वो एक लूडो गेम है। तो हम इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं। प्ले स्टोर के सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप करना है लूडो 2018। तो जैसे ही आप लूडो 2018 टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर पे एप्लीकेशन दोस्तों है, इसकी रेटिंग 4.3 है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और यहाँ पे आप इसका साइज देख सकते हैं 0.92 MB है, तो 1 MB से कम का ये भी गेम है। तो आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद इसको ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों इस गेम को आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आप मल्टीप्लेयर के साथ खेलना चाहते हैं या कंप्यूटर के साथ। तो अगर आपके पास आपके साथ कोई प्लेयर है तो आप मल्टीप्लेयर सेलेक्ट करिए, वरना अगर आप अकेले हैं तो वर्सेस कंप्यूटर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप चाहते हैं 2 प्लेयर के साथ खेलना या 4 प्लेयर के साथ, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 2 प्लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से आपको अपना कलर सेलेक्ट करना है, तो मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे उसके बाद लूडो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, उसके बाद कंप्यूटर खेल रहा है। तो इसी तरह आपको लूडो की तरह इस गेम को प्ले करना है। तो काफ़ी अच्छा गेम है दोस्तों, आप इसे 1 MB के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो चौथा गेम है बहुत ही मज़ेदार गेम है दोस्तों, आप इसे प्ले स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है टिक टॉक टॉय। जैसे ही दोस्तों आप टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने कई सारे गेम आ जाएंगे, लेकिन आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक गेम मिलेगा टिक टॉक टॉय। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आइकॉन, आपको यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इसकी साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 748 KB की है, तो काफ़ी छोटी एप्लीकेशन है और 1 MB से कम की एप्लीकेशन है। तो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो हम इसे जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, हो सकता है इस गेम को आपने पहले भी प्ले किया हो, क्योंकि ये गेम बहुत ही मज़ेदार गेम है। आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आपको बता दूं ये गेम क्रॉस और जीरो वाला गेम है, हो सकता है आपने इसे पहले भी प्ले किया हो। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड के साथ गेम को प्ले करना है, तो यहाँ पे आपको टैप करना है स्क्रीन पे जहाँ भी आप प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं मेरा क्रॉस वाला है और एंड्रॉयड का जीरो वाला है। तो इस तरह करके आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं। अगर आपने इस गेम को पहले प्ले किया होगा तो आपको पता होगा इस गेम को कैसे प्ले किया जाता है। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं अपने लास्ट गेम की तरफ। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो सबसे लास्ट गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों एक क्रिकेट गेम है। आप इसे प्ले स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप करना है डूडल क्रिकेट। जैसे दोस्तों आप टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आइकॉन, आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इसका साइज यहाँ से आप देख सकते हैं 303 KB का है दोस्तों, बहुत ही छोटी गेम है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इंस्टॉल करने के बाद इस गेम को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा।
तो अब आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं जो आइकॉन बना है इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैट का आइकॉन पीले कलर के सर्किल में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉलर जो गेंद फेंकना स्टार्ट कर देगा। आप जैसे आप बैट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपका प्लेयर है वो बल्ला घुमा देगा और गेंद लग जाएगी, और गेंद जहाँ तक जाती है वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, आप चाहे तो इसे प्ले कर सकते हैं। 1 MB के अंदर गेम है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पांचों गेम आपको पसंद आए होंगे। और तो आपको बता दूँ इन पांचों ऐप की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पांचों गेम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके इन पाँच इंटरेस्टिंग गेम के बारे में। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।